नमस्कार दोस्तों, किसी किताब में मैंने एक खूबसूरत बात पढ़ी। हमको अपने विचार उसी तरह चुनने चाहिए जैसे हम हर रोज़ अपने लिए कपड़े चुनते हैं। यह एक शक्ति है जो हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की कोई भी चीज़ हमें दुखी नहीं कर सकती, तब तक जब तक हम खुद ना चाहें। सोचने की बात है कि हम अपने ड्रेस का चुनाव करते हैं। कौन सी ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, किस इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, किस ड्रेस की तारीफ सबसे अधिक होगी। हम परफ्यूम भी यही सोचकर डालते हैं कि कौन सा परफ्यूम लोगों को अधिक पसंद आएगा। परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि महक ना आ जाए। चीज़ों की तरह यदि हम अपने विचारों को भी चुनने की कला सीख लें तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। दरअसल हम जब सभी के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं, कई विचार सकारात्मक हो सकते हैं जैसे प्रेम, दया, मदद, भरोसा, तो कई विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं जैसे रिजेक्शन, नफरत, निराशा, बदला आदि। अब हमें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि हम नकारात्मक विचारों को तुरंत दिमाग से हटाएं और अपना पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगाएं। जब भी किसी की कोई बात बुरी लगे उसे जल्दी से भूलने की कोशिश करें। हालांकि पहली बार में यह सब करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से किया जा सकता है। खुद से सवाल करें कि आखिर इस दर्द का मुझे कितने घंटे तक खींचना है और क्यों खींचना है। आपको जवाब मिल जाएगा। इस बात का अनुभव हो जाने से हमारे विचार हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं। पहली बार में आप दर्द को यदि एक घंटे में भूलेंगे तो अगली बार आपको आधा घंटा लगेगा और यह समय कम होता जाएगा। हमारे विचार हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। हम अच्छी बातें सोचने की आदत डालेंगे तो चेहरे पे एक अलग सा ग्लो नज़र आएगा और स्किन में फ़र्क दिखेगा, आंखें चमकेंगी और मुस्कुराहट लोगों के दिलों को जीत लेगी। नमस्कार।